नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण कम होने के बाद प्रतिबंध हटा लिए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली के अंदर स्कूल कॉलेज 29 नवंबर से खोल दिए जाएंगे। सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रक को 27 नवंबर से प्रवेश दिया जाएगा। अन्य ट्रक के प्रवेश पर 3 दिसंबर तक बैन रहेगा। सरकारी दफ्तरों को 29 नवंबर से खोल दिया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन से आने की एडवाइजरी भी जारी की गई है। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है। दिवाली से पहले जो प्रदूषण की स्थिति थी, उस स्थिति में भी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। दिवाली के बाद से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा था, उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर रूटीन कार्रवाई के अलावा कई सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उच्च अधिकारियों के साथ आज समीक्षा बैठक में अहम निर्णय लिए गए। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का एजेंडा पेश करते हुए कहा गया कि बीजेपी की नॉर्थ एमसीडी राजन बाबू इंस्टीट्यूट में करीब 6,556 वर्ग स्क्वायर मीटर जमीन की औने पौने दामों में नीलामी कर रही है। करोड़ों की जमीन को सेटिंग करके अपने लोगों को बेचा जा रहा है। D04 करमपुरा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए 6,36,30,000 रुपयों की न्यूनतम बोली पर पहली बोली 6,36,90,000 की आई और दूसरी बोली 6,37,000 की आई। बीजेपी ने दिल्ली के झुग्गियों में रहने वाले लोगों की परेशानियों को देखते हुए उन्हें विभिन्न सुविधाएं देने के साथ ही झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली। यह झुग्गी सम्मान यात्रा 15 अक्टूबर से दिल्ली के विभिन्न इलाकों में शुरू की गई है और इस यात्रा में बीजेपी के सभी दिग्गज नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और उपाध्यक्ष कर्म सिंह कर्मा खुद अपने हाथों से झुग्गी वासियों को सम्मानित करते नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि झुग्गियों की सफाई व्यवस्था, पीने का पानी, लाइट और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी झुग्गी वासियों को दी गई। झुग्गी वासियों को भविष्य में और भी सुविधाएं देने का वादा किया। लड़ने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी मैदान में उनको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिले, उज्ज्वला योजना, स्वनिधि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, उनका लाभ मिले, इसके लिए झुग्गी सम्मान यात्रा है। उनको दिल्ली सरकार द्वारा साफ पानी और बिजली के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, साफ पानी नहीं मिल रहा है, उनको राशन कार्ड नहीं बने हैं, उनके यहाँ पानी की निकासी नहीं है, पब्लिक टॉयलेट्स नहीं ठीक है, जो दिल्ली को मेहनत से, मजदूरी से और परिश्रम और ईमानदारी से दिल्ली को विकास के रास्ते ले जा रहा है, उसको पहचान दिलाने के लिए, उसको सम्मान दिलाने के लिए, उसके स्वाभिमान को जगाने के लिए झुग्गी सम्मान जो ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके यहाँ से निकाली जा रही है बीजेपी के द्वारा, आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? हम यही बहुत शुक्रिया करते, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ साफ सफाई होने लगी, अब पहले यहाँ बिल्कुल साफ सफाई नहीं थी, नालियाँ साफ नहीं थी, बहुत गंदगी थी यहाँ पे, मगर जब से ये लोग आने लगे हैं यहाँ पे तो काफ़ी राहत है। एक महीना हो गया और बहुत साफ सफाई, बीजेपी की तरफ से पानी की सुविधा हो गई। हमारे यहाँ पानी नहीं आता था बिल्कुल भी, पानी की इतनी दिक्कत थी कि हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से भर के लाते थे, कई कई दिन तक पानी नहीं आता था। और अब जो है कि पानी भी आने लग गया है और भी सुविधा, बिजली वगैरह जो लाइट चले जाती थी इसकी भी सुविधा हो गई है और बाकी शौचालय वगैरह तो बनी हुई। जो ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके यहाँ से निकाली जा रही है बीजेपी के द्वारा, हमारे को तो फायदा कुछ नहीं मिलता, हम तो क्या कहते हैं राशन दफ्तरों के धक्के खाते हैं, पेंशनों के दफ्तर धक्के खाए। जब भी कोई नहीं कहता जी 3 साल बाद बात सुनी जाएगी, अप्लीकेशन लिख के दो उसके बाद बात सुनी जाएगी, जब होएगा उसके बाद नाम आएगा या नंबर आएगा। बच्चों की कहो तो बच्चों की सुनाई नहीं, यहाँ और कोई तरीका है नहीं। आज हो गई सफाई इतनी, फिर अभी देख लेना एक हफ्ते में यहाँ क्या गंद पाएगा, अगर झाड़ू भी लग जाए एमसीडी वाले लगा तो हमारे को तो फायदा कुछ नहीं। बीजेपी महिला मोर्चा ने आज केजरीवाल आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा के अध्यक्ष कुसुम तोमर ने बताया है कि केजरीवाल ने पंजाब में जाकर के महिलाओं को 1,000 रुपये देने का वादा किया है, मगर दिल्ली में वृद्धा पेंशन बंद है, इसी के लिए आज ये प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि क्या दिल्ली की महिलाओं के देखभाल की जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नहीं है? इसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने केजरीवाल के आवास के बाहर यह विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं के लिए पेंशन के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, हमारी
प्रदेश अध्यक्ष योगता जी के साथ सारी जिला अध्यक्ष और सारे मंडल से महिलाएं उपस्थित हैं। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, सब प्रदर्शन जोरदार से कर रही हैं कि महिलाओं के लिए जो पहले 18 साल के 19 साल से लड़कियां थी उनके पेंशन के लिए बात हो रही थी, किसी ने आज दिल्ली में किसी के लिए पेंशन ही बनवा रखी, पंजाब और उत्तराखंड में पेंशन के लिए हजार हजार रुपये देंगे, कुछ भी नहीं कर रखा वहाँ पर, करा रखा है यहाँ पर कुछ नहीं करा रखा, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं कर रहे और जगह जगह पर पिंक ठेके खोल रहे हैं, हर मंडल में ठेके खोल रहे हैं, तीन तीन ठेके, चार चार ठेके, एक पिंक ठेका खोल रहा है, चार जेंट्स ठेके खोल रहे हैं और महिलाओं सर अब जेंट्स के साथ महिलाएं भी शराब पियेंगी तो घर में दंगा होगा, क्या होगा आज ये महिलाओं के लिए पेंशन। दिल्ली की जनता की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, ऐसा एक मुख्यमंत्री, एक निकम्मा नकारा मुख्यमंत्री जो दिल्ली को छोड़ के आज, दिल्ली को बेसहारा छोड़ के आज दिल्ली प्रदूषण से लड़ रही है, दिल्ली शराब के ठेकों से लड़ रही है, उनको छोड़ के पंजाब में जाकर झूठे झूठे वादे कर रहा है। 2014 से किसी बुजुर्ग की नई पेंशन नहीं बनी है, 2014 से किसी गरीब महिला का राशन कार्ड नहीं बना है, पिछले 7 वर्षों में ना कोई स्कूल, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई फ्लाईओवर बना है, लेकिन झूठे वादे करके जो दिल्ली में झूठे वादे कर रहे थे अब वो पंजाब पहुंच गए हैं, वहाँ की महिलाओं को बोल रहे हैं कि 1000 रुपये देंगे दिल्ली की महिलाओं से। उधर उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी ने स्टैंडिंग कमेटी के ऐलानों पर सवाल उठाए, जिस पर स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष जोगी राम जैन ने कहा कि डीए से पहले वेतन देना जरूरी है और साथ ही बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पार्कों में लिए 600 मालियों की भर्ती जल्द से जल्द की जाएगी और अन्य पार्क एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं को रख रखाव के निर्देश दिए जाएंगे। डीए का मैटर उठाया है कि भी डीए लगना चाहिए, उसका स्पष्टीकरण मैंने दिया है कि ठीक है हमने आप लोगों की बात मान के और एक रास्ता खोल दिया था कि भाई जो डीए हमने अनाउंसमेंट किया था वो लागू कब करना है, इसके बारे में जो स्पष्टीकरण दिया है कि जब मैटर तो ज़्यादा अभी सैलरी का है, सैलरी टाइम से हो जाए सबसे बड़ी बात तो ये है और फिर जल्दी डीए भी लागू करवा देंगे, कमिश्नर साहब से भी इसी बारे में हमने बोला था। दूसरे और जो एक जनरल मुद्दे होते हैं सारे स्टैंडिंग कमेटी में जो चर्चा होती है, जैसे कुछ पार्किंग को लेके हुई है, कुछ और जो अभी प्रस्ताव पास किए हैं पार्किंग का, हाँ अभी हम ये एक रेजोल्यूशन हमने ये प्रस्ताव पास किया है कि 600 माली हम जो है भर्ती कर रहे हैं क्योंकि हमारे पार्कों की हालत बहुत ख़राब है। पूर्वी दिल्ली जिला के मंडावली थाने के पुलिस ने किराया का मकान लेने के बहाने घर में घुसकर लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। वहीं पुलिस ने गिरोह में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, इनके पास से लूटे गए सोने की चेन, मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की गई है। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों की पहचान गाजियाबाद निवासी अंकित और सौरभ के रूप में हुई है, जबकि तीसरा आरोपी संदीप दिल्ली के कृष्णानगर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक सोमवार शाम सोनू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने घर के पास खड़ा था, तभी बाइक सवार युवक इलाके में किराए के मकान लेने के संबंध में उससे बातचीत करने पहुंचे और उस दौरान पानी पीने की इच्छा जाहिर की। सोनू पानी लाने के लिए जैसे ही अपने घर में गया आरोपी युवक भी उसी के घर में घुस गया। इस बीच 2 और आरोपी घर में घुसे और तीनों ने मिलकर सोनू को बंधक बना लिया, उसके मुंह में कपड़ा बांधकर मारपीट की गई और उसका मोबाइल और चेन लूटकर फरार हो गए। केस को हमने बाखूबी 24 घंटे के कम टाइम में हमने सॉल्व कर दिया है। इस वारदात में बेसिकली एक विक्टिम रहे सोनू, जिनका घर है शंकर मार्ग पे, इनको एक लड़के ने अप्रोच किया जो कि बाइक पर थे, इनका नाम है अंकित पाल, और इन्होंने इनको ये कहा कि ये घर ढूंढ रहे थे, तलाश में थे रेंट लेने के लिए, और उस बहाने इन्होंने इनको कहा, इनसे बातचीत शुरू की और बातचीत करते समय इन्होंने इनको कह दिया कि मुझे प्यास लगी है और इनके घर की तरफ बढ़ गए और घर में इन्होंने एंट्री ली। इसी दौरान इन्होंने इनके साथ मार कुटाई की और इनकी गोल्ड चेन भी लूट ली, इनका मोबाइल फ़ोन भी लूट लिया, और इसमें से जितनी भी फुल रिकवरी के साथ ये केस वर्कआउट हुआ, इसमें गोल्ड चेन, मोबाइल और बाइक तीनों रिकवर हो गए हैं।
सो हमारी टीम ने विद इन 24 आवर्स इस सेंसेशनल रॉबरी केस को वर्कआउट करके। दिल्ली में शादी के मौकों पर बैंक्वेट हॉल के बाहर जमा भीड़ देखने की समस्या आम हो गई है, जिसके कारण कई बार आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर बीजेपी पार्षद विजेंद्र यादव ने सदन प्रशांत विहार में स्थित बैंक्वेट का उदाहरण देते हुए आम जन को हो रही समस्या की बात रखी। मैंने अपना जो एरिया की क्षेत्र की समस्या थी, मेरे पास शिकायत आई थी, उसी विषय को लेकर मैं वहाँ से मॉर्निंग वॉक करने जब जा रहा था तो वहाँ पर मुझे पता चला कि भाई मैं वहाँ पर 5 से 6 मिनट वहाँ जाम में फंसा। तो मैंने देखा कि वहाँ पर हालात ये थे कि जाम किस कारण से लगा, तो उसमें मुझे जानकारी मिली कि यहाँ 2 बैंक्वेट हॉल हैं, एक ओरा नाम से है और कोई J3S के नाम से है, दोनों साथ साथ हैं। उन्होंने वहाँ पर जो कमर्शियल एक्टिविटी चला रखी हैं और उसके कारण वहाँ पर पार्किंग की समस्या है। मैंने तो शादी समारोह के दौरान जाम लग जाता है और उसको लेकर जो वहाँ से लोग गुजरते हैं उनको बड़ी समस्या होती है, क्योंकि एक अच्छी खासी आबादी वहाँ से गुजरती है, लेकिन जब भी वहाँ पर कोई भी शादी समारोह होता है तो उस दौरान वहाँ पर एक लंबा जाम लग जाता है। जाम के चलते लोग परेशान होते हैं और इसी का मामला उठाया गया, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी इस बैंक्वेट हॉल के सामने और ये एक आम समस्या बन चुकी थी दिल्ली में। जाम के चलते जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि जब भी कोई शादी समारोह वहाँ पर स्थापित होता था लोग पहुँचते थे और ट्रैफिक की समस्या होती थी। एमसीडी में हाउस टैक्स को लेकर घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी के एमसीडी ने बजट में घरों और व्यावसायिक संपत्ति पर लगने वाले टैक्स को 14% तक बढ़ा दिया है। बीजेपी ने सिर्फ दिल्ली की जनता को कैसे लूटा जाए इसका बजट पेश किया है। दिल्ली में घरों पर हाउस टैक्स 12% से 14% तक बढ़ा दिया गया, व्यावसायिक संपत्ति के ऊपर टैक्स बढ़ाकर 20% कर दिया गया। संपत्ति खरीदने पर सीनियर सिटीजन, दिव्यांगों और महिलाओं को टैक्स में मिलने वाली छूट को 30% से कम करके 20% किया गया है। एमसीडी चुनाव को लेकर लगातार सियासत जारी है, जहां आपने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। आपके एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी की एमसीडी ने बजट में घरों और व्यवसायिक संपत्ति पर लगने वाले टैक्स को 14% तक बढ़ा दिया है। बीजेपी ने सिर्फ दिल्ली की जनता को कैसे लूटा जाए इसका बजट पेश किया है। दिल्ली में घरों पर हाउस टैक्स 12% से 14% तक बढ़ा दिया गया है, व्यवसायिक संपत्ति के ऊपर टैक्स बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। संपत्ति खरीदने पर सीनियर सिटीजन, दिव्यांगों और महिलाओं को टैक्स में मिलने वाली छूट को 30% से कम करके 20% किया गया है। इस आरोप के बाद दुर्गेश पाठक ने दिल्ली की जनता से अपील की है कि अब बढ़े हुए टैक्स ना दें, क्योंकि 5 महीने बाद एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जहां इस बढ़े टैक्स से राहत देंगी। दिल्ली के जितने भी घर हैं उनके ऊपर जो हाउस टैक्स लगता है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर जो हाउस टैक्स लगता है, उसको लेकर आपका क्या सपना है? तो उन्होंने कहा कि ए और ई ग्रेड के जितने भी घर हैं उनके ऊपर हाउस टैक्स 14% और लगेगा, एफ और एच श्रेणी के जितने भी घर हैं उनके ऊपर हाउस टैक्स 12% और लगेगा। मतलब एक पे 14% बढ़ा दिया गया, एक पे 12% बढ़ा दिया गया। वहीं बीजेपी ने आपके आरोप पर कहा कि इस तरह के आरोप लगाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है, लगातार जनता के हित में फैसले लिए जा रहे हैं, लिहाजा देखने वाली बात यह होगी कि हाउस टैक्स बढ़ाने के फैसले से बीजेपी को एमसीडी चुनाव में किस तरह का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपने साफ कर दिया है कि एमसीडी में सरकार बनने के बाद बीजेपी के बढ़ाए गए टैक्स में जनता को राहत देने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, News1 India। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।